मीटिंग के शुरू ये फैसला लिया गया कि 26 तारीख को ट्रैक्टर अपने हाईवे पे ट्रैक्टर खड़े करेंगे, उससे रोष प्रदर्शन होगा। जो ट्रैक्टर को ये कहते हैं कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चलेंगे तो सड़क पे खड़ा करके दिखाएंगे ट्रैक्टर, उसी दिन पुतला दहन भी होगा। 14 मार्च को एक दिन का प्रोग्राम दिल्ली में होगा, वो बिना ट्रैक्टर के होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही, सरकार कह रही कि बिना ट्रैक्टर के आ जाएं, तो भाई एक दिन के लिए बिना ट्रैक्टर के जाएंगे। उनके लिए हाँ मांग सबकी एक है भाई, मांग सबकी सहमत है। आप एक चैनल को हटाकर दूसरे वाला बात करें तो आप ही सबको खबर दे देना। अभी एसकेएम जो दिल्ली से आया था वो भारत सरकार ने 3 जगह बांट दिया, उन्होंने कोल दे रखी वहाँ पे। हम किसानों के मुद्दे पे सब साथ हैं, उनके मुद्दे हमारे मुद्दे सब एक हैं। जो नौजवान शहीद हो रहे हैं उसके कंपनसेशन की बात करी, उनके ऊपर केस रजिस्टर की बात करी, पंजाब के जगह में आन के उसकी हत्या करी है हरियाणा ने, पंजाब सरकार उसके खिलाफ केस रजिस्टर करे और जो उस पर कर्जा है पंजाब सरकार माफ करे, कंपनसेशन भारत सरकार या हरियाणा सरकार दे। वही तो कह रहे हम, अरे बार बार तो कह तो रहे, सुना ही नहीं दे रहा। संघर्ष करा जाएगा, एक्शन ही तो है ये, जो पंजाब पूरे पंजाब के प्रशासन की या पंजाब की सरकार से प्रेशर बना प्रेशर भाई, उसको तो कह ही सके पंजाब की सरकार है कहाँ, उसे अपनी जान बचानी भरी हो रही, वो किसान का भी प्रेशर में है और वो भारत सरकार के भी प्रेशर में है। अगर जरूरत पड़ी हमारा जो संघर्ष होगा, हमारा संघर्ष है हरियाणा और दिल्ली के खिलाफ, तो बता दो संघर्ष तक सीमित रहेगा या यूपी, ये यूपी में जा रहा दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे पे कोई इलाज नहीं, और इसे पंजाब का आंदोलन मत बनाओ, नहीं तो सिख कम्युनिटी के खिलाफ ये भारत सरकार कर रही है, इसे पूरे देश का आंदोलन बनने दो। हाँ हम बना रहे, हमने कल जितना बड़ा कल पूरे पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च हुए हैं, बैरिकेडिंग तोड़े गए हैं, हर जगह DM DC के वहाँ पे ज्ञापन दिए गए हैं, उससे पहले ही प्रोग्राम हो रहे हैं, और 26 तारीख में पूरे देश के ट्रैक्टर पंजाब किसान के समर्थन में, जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में, जो किसान मारा गया है उसके समर्थन में, आप 26 तारीख को पूरे देश के ट्रैक्टर सड़कों पे देखोगे। जो नौजवान मारा गया की तुहानू लगता है भी ये कॉल सफिशिएंट ओदे लई क्या करा जाए भाई, और बताओ तुहानू की लगता तो हमें ये लगेगा जितनी दी इतनी ठीक है और जरूरत पड़ेगी तो और देंगे। ये आंदोलन जब तक उनको कंपनसेशन उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते, ये हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। एकजुटता क्यों नहीं नजर हो रही थी? एकजुटता के लिए 6 मेंबरी कमेटी बना दी, वो आपस में तालमेल करे, पंजाब की जत्थेबंदी सब इकट्ठी हो जाए, देश यही चाहता है।